बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS Study Point पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सेमेस्टर परीक्षाओं पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि दोस्तों लगातार सभी विश्वविद्यालय अपने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के नोटिस जारी कर रहे हैं। लगभग लगभग कुछ विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के यानी इनका टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो इसी विषय में एक और विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कार्यक्रम को जारी किया है, परीक्षा तिथि और उसके साथ ही साथ टाइम टेबल घोषित हो चुका है। तो उस विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे लास्ट में। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, या आप बीकॉम से रिलेटेड हो। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं कि एक किस विश्वविद्यालय का है। तो ये दोस्तों नोटिस जारी हुआ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज का, ठीक है। तो प्रयागराज विश्वविद्यालय यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो परीक्षा है वो संपन्न कराने की तिथि घोषित हो चुकी है और उनका पूरा परीक्षा कार्यक्रम भी आ चुका है, समय सारणी भी घोषित हो चुका है। तो यहाँ पर नोटिस आप बताया गया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के वार्षिक द्वितीय एवं अंतिम वर्ष एवं सम सेमेस्टर सत्र 2024 में प्रवेक्षित छात्र छात्राओं के रेगुलर भूतपूर्व बैक परीक्षा दिनांक 15/4 से प्रारंभ होकर संपन्न कराई जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका इवेन सेमेस्टर है, इवेन सेमेस्टर का मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर बी ए बी एस सी बी काम, ठीक है, या फिर एम ए एम एस सी एम काम, सबके लिए नोटिस जारी हो चुका है, मतलब सबका टाइम टेबल परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। तो इवेन सेमेस्टर के साथ ही साथ जिनका बैक लगा हुआ था किसी भी सब्जेक्ट में, जिन्होंने फर्स्ट जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है उनका थर्ड में होगा, लेकिन जैसे जो सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, अगर उनका सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा था तो वो फोर्थ सेमेस्टर में दे पाएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर का जिनका बैक लगा था वो सिक्स सेमेस्टर में दे पाएंगे। तो आपकी परीक्षा के साथ साथ यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो तो संपन्न ही कराई जाएंगी, साथ ही साथ बैक पेपर की भी परीक्षा 15/4 से प्रारंभ हो जाएगी। ये रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की नोटिस थी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि समस्त महाविद्यालय के प्रचार से अपेक्षा की जाती है कि यदि समय सारणी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अथवा सुझाव हो तो दिनांक 4/4/2000 तक अनिवार्य रूप से परीक्षा विभाग को प्रेषित कर सकते हैं। ये इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो चुनाव की वजह से कुछ महाविद्यालय में क्या होगा कि वहाँ पर जो वोट की पेटिकाएं हैं वो वहाँ पर रखी जाएंगी। इस वजह से कुछ विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं कि अपना पेपर जून माह में संपन्न कराएंगे, लेकिन अब परीक्षा संपन्न अगर कराना है तो मई यानी कि 20 मई के पहले पहले परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान देना, आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है, 15/4 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सत्र 2021-22 बीए बीएससी व बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेक्षित ऐसे परीक्षार्थी जिनका द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, देखो इन्होंने बहुत ही क्लेरिफाई किया है कि ऐसे परीक्षार्थी जिनका द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है उनके केवल बैक पेपर की परीक्षा को करिकुलर प्रश्न पत्र के बैक पेपर को छोड़कर, यानी जो आपका को करिकुलर कोर्स है जैसे कि अनिवार्य प्रश्न पत्र उसको छोड़कर उसके बैक पेपर की परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ संपन्न कराई जाएगी। यानी जो को करिकुलर कोर्स है, यानी कि अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर में तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, तो उसका उस पेपर को छोड़ करके बाकी अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा हो तो उसका आपका उसी सेमेस्टर के साथ परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा कार्यक्रम की। तो परीक्षा कार्यक्रम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है बीए पार्ट सेकंड यानी सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है कितनी तारीख को, यहाँ पर डेट दिया गया है, ठीक है, 15/4/2024 से आपकी परीक्षा है, दो पाली में कराई जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, दो पाली में आपकी परीक्षा संचालित कराई जाएगी। अब हम बात कर लें जैसे कि जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो ये तो बीए का कार्यक्रम हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर बीएससी की, तो बीएससी मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये आ गया आपका बीएससी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी, जिसमें दिया गया है सेकंड सेमेस्टर में क्या दिया गया है दोस्तों, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन,
ठीक है, ये आपका दिया गया है पेपर टाइटल। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ऑप्टिक्स एंड लेजर, बॉटनी यहाँ पर दिया गया है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, तो बॉटनी सेकंड सेमेस्टर में क्या है आपका, साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टस डिसीजेस, ठीक है, प्लांट ब्रीदिंग ये आपका दिया गया है। तो इसमें परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा परीक्षा कार्यक्रम। ओके, तो दोस्तों अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं, BSc के सभी छात्र छात्राओं के लिए बता दूं, रिटर्न पैटर्न के लिए रजू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया में रिटर्न पैटर्न पर एग्जाम करवाए जाएंगे, तो लिखित प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, साथ ही साथ महासंग्राम रिविजन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सब लोग जुड़ करके अपनी तैयारी बेटर ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।